Let's start second volume, I mean chapter 7, Nagar Prashasan. अभी आपने गांव का प्रशासन, village administration देखा. Now we have to discuss chapter 7, city administration. There is no such difference between both, but difference is a place. That was village, rural area. This is urban area, it is city. And we are most of people live in city or a part of some life, a part of our life, definitely a Spain in city life. तो कहने का मतलब है अब शहर में वही सिस्टम को देखें, लोकल गवर्नमेंट को शहर में देखें क्या होता है. तो याद रखिएगा, कंपेयर करते रहिएगा, सिमिलैरिटीज मिलती रहेगी. लेट्स स्टार्ट, लिसन केयरफुली. यहां पर इसकी शुरुआत जो की गई है कहानी की, कि मोहल्ले में कुछ बच्चे, गर्मी छुट्टी का वक्त है और खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. नुक्कड़ क्रिकेट होता है ना, गली मोहल्लों में, सड़क पे, घर के आगे गलियों में खेलते हैं, तो खेल रहे हैं. इसमें इतवार का दिन है और अलसाई हुई दोपहर है. कहने का मतलब यह है, माला है, शंकर है, जहांगीर है, रेहाना है. माला और शंकर के नाम से लगता है ये हिंदू है, जहांगीर और रेहाना से लगता है कि ये मुस्लिम है. लेकिन यहाँ चार कैरेक्टर हैं, चारों स्कूल के बच्चे हैं और ये आपस में खेल रहे हैं. और इसे ये भी पता चलता है, को एडुकेशन, को लिविंग, एंड नॉट इवन दैट, इवन ऑल्सो हम एक ही मोहल्ले में हिंदू मुसलमान सब मिलके साथ रहते हैं. ये मैसेजिंग होता है इनडायरेक्टली, और ये टीचर का काम होता है समझाना कि ये कैरेक्टर ही क्यों रखा गया, उसके पीछे एक मकसद होता है. बच्चों को शुरू से ही जो हमारा रिच कल्चर है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ लिविंग है, उसको मेंटेन करना. तो चलिए पेज पलटते हैं और आगे देखते हैं क्या कहानी बढ़ती है. ठीक है, दिखा हुआ है कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है. कहने का मतलब ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यूं लगा दिए और बॉल से बिजली के खंभे का स्ट्रीट लाइट, ट्यूब लाइट जो भी है, टूट गया. अब सवाल, जहां ये लोग मोहल्ले में खेल रहे थे वहां पर, तो ये लोग अब सब आपस में कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, किसके घर के सामने टूटा, अब पनिशमेंट मिलेगा. तो बात आई कि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करने की. और देखते, यास्मीन खाला उसी गली में रहते, जिस गली में लोग खेल रहे थे उस गली में कौन रहते, यास्मीन खाला. और यास्मीन खाला नगर निगम में अकाउंटेंट है, वो लोगों की सैलरी का पे स्लिप बनाती है, लेखा जोखा रखती है, अकाउंटेंसी का काम करती है यास्मीन खाला. तो यास्मीन खाला है, तो जब जहांगीर और रेहाना है तो यास्मीन खाला भी है. खाला किसको कहते हैं, बुआ को. अब आइए, नगर निगम क्या होता है. तो सड़कों या रोशनी की व्यवस्था करता है, कूड़ा की सफाई करता है, कूड़े को इकट्ठा करने का काम करता है, बाजारों की सफाई करता है, ये सब काम जो है. तो नगर निगम क्या काम करता है, तो इकट्ठा आप लोग समझ लें, जैसे ग्राम पंचायत में देखा आपने, तो ध्यान में रखिए, गांव में ग्राम पंचायत ही सिर्फ टैक्स वसूलती है, पंचायत समिति कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती, याद रखिए. उसी तरीके से जिला परिषद कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती. टैक्स वसूलने की एकमात्र जिम्मेदारी थर्ड, तो नहीं, फर्स्ट लेयर, डाउनवर्ड्स लेयर, ग्राम पंचायत को है, और किसी को नहीं. ग्राम पंचायत पनिशमेंट दे सकती है, मनी पनिशमेंट, नेवर कॉर्पोरल पनिशमेंट. ग्राम पंचायत लोगों को दंड दे सकती है पैसे का, फाइन, लेकिन किसी को मार नहीं सकती, शरीर नहीं छू सकती, नो कार्नल पनिशमेंट, शारीरिक दंड नहीं. बाय द वे, वो गांव से किसी को बाहर नहीं निकाल सकती, जात बहिष्कृत नहीं कर सकती, ये सब चीजें. कहने का मतलब है, तो शहर में नगर निगम क्या काम करता है, जो गांव में ग्राम पंचायत करती है, जल की व्यवस्था, जल निकासी, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइब्रेरी बना सकती है, प्राइमरी स्कूल ओपन कर सकती है, डिस्पेंसरी, औषधालय, हॉस्पिटल, पावर प्लांट, 10 मेगावाट से बड़े का नहीं होगा तो पावर प्लांट बना सकती है, और क्या करेगी. तो ध्यान रखिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं करेगी, कोई भी लोकल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, नॉट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. और यही सबसे अच्छा होता है, इनमें से कौन सा एक पंचायत का काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं है, रेल चलाना नहीं है, 10 मेगावाट से ज्यादा का प्लांट नहीं लगा सकते,
हाई स्कूल नहीं चला सकती, पर पब्लिक हेल्थ कर सकती है, डिस्पेंसरी स्कूल सब चला सकती है, पर प्राइमरी स्कूल तक, तो ये कहने का मतलब है, उसके हम लिमिटेशन को समझेंगे। तो ये चीजें, और कर के पैसे से या फंडिंग जो पैसा है उसे कोई विशेष धर्म के लिए कोई काम नहीं कर सकती, कोई धार्मिक काम नहीं कर सकती, किसी मंदिर मस्जिद को दान पुण्य नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, उस मंदिर तक सड़कें अगर कहीं टूटे फूटे हैं तो उस मंदिर तक मस्जिद तक जाने के लिए सड़कें बनवा सकती है, मंदिर का जीर्णोद्वार नहीं कर सकती, ये सब चीज है, तो याद रखना। अब आइए, तो यहां पे बता रहा है शहर में बीमारियां ना फैले उसके लिए साफ सफाई करती है, स्कूल स्थापित करने का काम है, उसे ड्राइव चलाती भी है स्कूल को नगर निगम, दवाखाना और अस्पताल चलाती है, डिस्पेंसरी दवाखाना और अस्पताल हॉस्पिटल चलाती है, यह बाग बगीचों का रखरखाव करती है। आजकल बाग बगीचे में तो आप जानते हैं कि पार्क वार्क भी बनाया जा रहा है, ओपन पार्क, ओपन जिम। फिर हमारा पुणे शहर भी बहुत बड़ा शहर है, यहां नगर प्रशासन चलाने की संस्था को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में जो संस्था होती है उसे नगर पालिका कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था पिछले क्लास में कि छोटा शहर जहां 2 लाख तक का पॉपुलेशन है वहां नगर पालिका, 2 लाख से 10 लाख का पॉपुलेशन जो है या 20 लाख तक का पॉपुलेशन अब हो गया है तो उसको क्या कहते हैं, नगर निगम, और 20 लाख से ऊपर है तो क्या कहते हैं, महानगर निगम। ये चीज है, तो पुणे नगर निगम है, बंबई महानगर निगम है, तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं खाला, निगम के लेखा जोखा का काम करती है खाला आंटी, यास्मीन खाला उनका नाम है। अब है अगला, ज्यादातर नगर पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल बनेगा या पार्क। कहने का मतलब है उस शहर में, ठीक है, क्षेत्र विशेष में किस तरह का डेवलपमेंट होना है, ये जो नगर पार्षद होते हैं, वार्ड कमिश्नर होते हैं, वो लोग आपस में इकट्ठा बैठ करके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ भी होती है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, हर वार्ड में एक पार्षद होता है, जैसे गांव में हर वार्ड होता है, हर वार्ड का एक वार्ड पंच होता है, तो ऐसे ही जटिल निर्णय पार्षदों की एक कमिटी होती है वो करती है, ए ग्रुप ऑफ वार्ड कमिश्नर टेक डिसीजन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इशू, ये मतलब है। अच्छा, पुराने मुद्दे नए मुद्दों पर विचार करती है, निर्णय लेती है, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कचरा प्रबंधन का इंतजाम करना है, अब बारिश का समय आने वाला है, नालों की एक बार सफाई कर दें ताकि ड्रेन ब्लॉकेज ना हो, ये सब निर्णय करते हैं जो हम और आप सब जानते हैं, लेकिन प्यार से बच्चों को पढ़ाना होता है तो उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं। अब सवाल है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद को ही बताते हैं, पर पूरे शहर की समस्या है तो मेयर तक बात जाएगी, लेकिन अगर एक वार्ड, जैसे मैं हूँ नजफगढ़ में, नजफगढ़ के रोशन गार्डन में हूँ और ये रोशन गार्डन एक वार्ड है, तो हमारे जो वार्ड कमिश्नर हैं मिस्टर सतपाल मलिक हैं, बीजेपी से रिलेट करते हैं, तो हमारी कोई स्ट्रीट लाइट की समस्या है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब है, यहाँ पे शाम को चोर उचक्के आ जाते हैं, स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं, बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है, ये सब सारी समस्याओं को हम सोचेंगे कि पार्क हो, ठीक है, ये समस्या को लेकर हम कहाँ जाएंगे, तो ये चीज है उनके पास। अब आइए, तो जो निर्णय लेते हैं उन्हें लागू भी करते हैं, तो सवाल है कि जो कमिटी ऑफ वार्ड कमिश्नर्स हैं तो वो कौन है, तो निर्णय तो ले लिया वार्ड कमिश्नर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे, तो देर आर कमिश्नर, याद है इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर या कर्मचारी कहते हैं, यानी कि आयुक्त, आयुक्त स्तर के एक कर्मचारी होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, वो ऑलरेडी एक सर्विस होल्डर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो निर्वाचित होकर नहीं आते, सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, उनका काम है वर्क को एग्जीक्यूट करवाना और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ये चीज है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं और आयुक्त निर्वाचित नहीं होते। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि पंचायत समिति में या ग्राम पंचायत के स्तर पर देखेंगे तो जो है वो, और नगर निगम में जो MLA है वो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जाते हैं, तो याद रखिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन के तहत जो एक MLA का सीट आता है, 2 MLA का सीट आता है, एक दिल्ली कैंट छावनी और एक सीट आता है बेटा न्यू दिल्ली MLA का सीट आता है, तो न्यू दिल्ली के MLA हैं हमारे केजरीवाल साहब, तो केजरीवाल साहब को अभी जो है वहां के जो नगर प्रमुख हैं मेयर, उन्होंने शपथ दिलाया है केजरीवाल को, तो ये चीजें हैं जो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में कहा है, याद रखिए। अब पेज पलटते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट।
नेक्स्ट का संदर्भ है कि सारे कार्यों को पार्षद लोग मिलकर के काम करते हैं। अब ये सारे पार्षद मिलकर के बजट बनाते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट का वर्क है, कितना उसमें पैसा खर्च होगा, और उसका एक बजट तैयार करके पार्षद उसे फिर पास कर देते हैं और फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेज देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है उसके बाद उससे वर्क शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना है। अब है जल विभाग भी होता है। कहने का मतलब है नगर निगम के संदर्भ में सिटी में सारे वर्क को देखने के लिए अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक जल विभाग। देखते हैं दिल्ली में जल बोर्ड विभाग लिखा होता है, कचरा जमा करने का विभाग, तो यानी गार्बेज डिपोजिशन डिपार्टमेंट भी होता है। फिर आपने देखा सड़क व्यवस्था का विभाग, तो दोज आर इन कंसर्न ऑफ द मेंटेनिंग ऑफ द रोड्स, उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है। नगर निगम के सफाई के लिए अलग से, लेखा जोखा के लिए, अकाउंटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एवरी टाइम्स डिपार्टमेंट्स जो वर्क करते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें बताया कि घरेलू प्लास्टिक जो होता है उसका पुनर्चक्रण शुरू से होता है, पुराने जमाने में भी और आज भी होता है। तो जो हम लोग प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं उसको रिसाइकिल करके रिप्लास्टिक्स प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना ज़रूरी है। और जैसा कि आप और हम जानते हैं, नगर निगम क्लियर बताता है कि जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है, कचरा है, जो प्रकृति में इजली मिल जाता है, डिग्रेड हो जाता है, क्षय हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, तो ऐसे कचरे को अलग रखा जाए अलग कूड़ेदान में, जिसके लिए ग्रीन बॉक्स बना है। और जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गार्बेज है, प्लास्टिक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी गलता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करें, तो उसको रेड वाले बॉक्स के कचरे के डब्बे में डालें, ताकि जो हमारे कूड़ा उठाने वाले हैं उनका काम आसान हो जाए, डंपिंग जो ग्राउंड पर भी काम करने में आसान हो जाए, और इससे नालियाँ ड्रेनेज चौक नहीं होगा और रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा, तो बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ये चीज़ें अगर मैं ही आपको सही समय पर शेड्यूल दे देता हूँ, सही जानकारी, चैप्टर, क्लास बताता हूँ और मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो जरूर आपको सुविधा होगी। याद रहे, वैसे आप मुझे सलाह देते रहिएगा, हम आपके सलाह को स्वीकार करते हैं और जहाँ तक संभव होगा और यूनानिमसली हम उसे अप्लाई करेंगे, तो हमें एडवाइस जरूर आप देते रहिएगा बेटा। अब है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, तो याद करिए ग्राम पंचायत को पैसा कहाँ से आया पंचायती राज में, तो ऐसे ही समझिए नगर निगम को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग दो हो गए, अगर कहीं से कोई ग्रांट अनुदान मिलता है तो हो गए, कहीं कोई गिफ्टिंग कर देता है तो हो गए, प्लस ये खुद स्कूल चलाती है उसका एक नॉमिनल फी होगा, डिस्पेंसरी चलाती है वहाँ से एक फी आएगा, हॉस्पिटल चलाती है वहाँ से फी आएगा, बहुत सारे बाजार होते हैं, बाजार तो मालूम है ना, संडे बाजार, मंडे बाजार, उसकी एक फीस होती है वो आएगा। और सुनिए, पावर प्लांट लगाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका फीस आएगा उसके पास, और कहाँ से फीस आएगा, जरा सोचिए तो, और क्या क्या कर सकती है। दुकान, नगर निगम जो है दुकानों को लाइसेंस देती है, रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देती है, जिसको रजिस्ट्रेशन ड्यूटी शुल्क के रूप में वो वसूलता है, ये चीजें। और मालूम है हाउस टैक्स, चूल्हा कर, जैसे ग्राम पंचायत भी हाउस टैक्स लगाती है ऐसे यहाँ भी चूल्हा कर, हाउस टैक्स लिया जा सकता है और देते ही हैं, तो ये चीजें है। उसका वेल्थ टैक्स होता है, संपत्ति कर, वो भी लिया जा सकता है, तो ये चीजें है। तो जितना बड़ा प्लॉट होगा, जितना बड़ा मकान होगा, जितना कवरेज एरिया ऑफ प्लॉट पे, जितना कवरेज एरिया ऑफ बिल्डिंग होगा, उसके हिसाब से प्लॉट का होता है। अब दिल्ली सरकार में जो आपके हाउस टैक्स हैं वो एक्चुअली शीला दीक्षित के समय में, अगर महिलाओं के नाम पर घर है, जमीन है, प्लॉट घर है, तो उस पर 30% वो डिस्काउंट दी हुई है, तो आज भी 30% डिस्काउंट चलता है अगर फीमेल के नाम पर है तो मायने रखता है। तो दीज आर सम वे टू कलेक्ट मनी, टू ग्रो मनी एज अ रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू है, देखा सेंट्रल से, स्टेट से, खुद के कलेक्शंस ऑफ मनी से। तो ऑक्ट्राई, नगर निगम में अगर कोई ट्रक, कमर्शियल ट्रक है, सब्जी लेके आया, दूध लेके आया, केरोसिन लेके आया, पेट्रोल लेके आया, चावल लेके आया, दाल लेके आया, और मंडी में घुसा, तो एंट्री लेते हैं नगर निगम में, एंट्री लेते ही क्या हो जाता है आप भी जान सकते हैं, उसे एक शुल्क देना पड़ता है जिसे कहता है ऑक्ट्राई, चुंगे, क्या कहते हैं, चुंगे, ऑक्ट्राई कहते हैं। ऑक्ट्राई लोकल गवर्नमेंट ही वसूलती है,
तो इससे भी इनकम होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आ गए, अब पन्ना पलट के देखते हैं कि और आगे क्या है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यास्मीन खाला जो थी वो बच्चों को बता रही थी कौन कैसे क्या काम करता है। तो यास्मीन खाला जैसे हम आपको बता रहे हैं, वैसे यास्मीन खाला यहाँ पर बच्चों को बता रही थी, किसको? जहांगीर को, और किसको? रेहाना को, और किसको? माला को, और किसको? शंकर को। ये सब कैरेक्टर याद रखिए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं। तो चारों बच्चों को बता रहे थे, वही कह रही थी कि मैं तो अब रिटायर कर गई, मैं पहले काम करती थी, लेकिन वहीं क्यों गए सब? क्योंकि खाला नगर निगम से थी, पूछने गई थी। तो खाला बताती है, यानी कि ये समझिए आप कि अब सरकार क्या करती है कि कम से कम खर्च में ज़्यादा इनकम के ख्याल से क्या कर रही है कि जो पहले सरकारी सेवा में हमारे जो क्या कहते हैं उसको, जमादार होते थे, सुपरवाइज़र होते थे, सफाई कर्मचारी होते थे, उन सबको अच्छा खासा 20,000, 25,000, 15,000, 18,000 की सैलरी मिलती थी, पेंशन सिस्टम था। लेकिन सरकार ने क्या किया, इन सबको कॉन्ट्रैक्ट पर उठा दिया, तो सरकारी नौकरों की बहाली खत्म कर दी और कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, और कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लिया और कह दिया कि अपना आदमी रखो उठाओ। तो कॉन्ट्रैक्टर तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, उसको सोशल सर्विस से क्या लेना, प्रोफेशनली वो उसको खरीदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का। तो वो ऐसे कर्मचारियों की भर्ती कर दिया कि जिससे ज़्यादा काम करवा सके, और उसको वेतन भी आधा देता है। आज की तारीख में 8,000 से 10,000 रुपये वेतन मिलता है, पहले 15,000 से 18,000 वेतन मिलता था। जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ तो पूरे दिल्ली में सफाई का काम कॉन्ट्रैक्ट पे है, बिजली सप्लाई का काम कॉन्ट्रैक्ट पे, बिजली प्रोडक्शन नहीं, सप्लाई का काम कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो बिजली सप्लाई अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू ऑल्सो ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें शेयरिंग कर लेते हैं गवर्नमेंट और जो ट्रांसको वाले हैं, रिलायंस वाले हैं। ये याद रखिएगा, आजकल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की वजह से हालत अच्छे नहीं है कर्मचारियों के। एक तो ज़्यादा काम लेते हैं, ऊपर से नौकरी की जो है सुरक्षा ख़त्म हो गई है, पेंशन ख़त्म हो गया है, और नौकरी कल रहेगी नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। ठीक है, हालांकि पहले बहुत सफाई नहीं होती थी, क्योंकि सरकारी सेवा में है, जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ें होती थी। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर पहले से बेहतर सफाई होती है, लोग अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी संभालते हैं। तो अब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं, सफाई कर्मी, वो अपना थोड़ा अतिरिक्त धन निकालने के ताकि परिवार चला सके, तो हमारे और आपके घर आते हैं, कहते हैं कि आप मुझे 100 रुपया महीना दे दीजिएगा, 60 रुपया दे दीजिएगा, हम आपके घर का कचरा रोज़ उठा लिया करेंगे। तो जैसे हमारे घर में है, पहले 60 रुपये लेता था, अब 100 रुपये लेता है एक महीने का, घर का जो कचरा है सवेरे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आके ले जाता है, और फिर वो जहाँ सफाई कर रहा है उसी पे डाल दिया, उसके बाद अपना निकाल के लेके चला गया। तो ऐसे रोड वोड का तो करना ही उसको साफ, तो हमारे घर से भी ले लिया, तो क्या हुआ, एक अतिरिक्त धन हो गया उसके पास। ये चीज़ है, तो समझिए कि उसका जीवन चल रहा है, दिस इज द रियलिटी। तो अब तो ये भी समझ गया, अब है कि बहुत कम पैसा देते हैं, नौकरी अस्थायी होती है, नॉन परमानेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब का। अब प्लास्टिक कचरे के लिए बात कर ही लिए, अब है क्या नेक्स्ट कि 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैला था। हम उस टाइम में स्टूडेंट्स थे, दिल्ली के हकीकत नगर में मुखर्जी नगर के पास पढ़ते थे, रहते थे, और मेरा मित्र जो है एक मास्को में मेडिकल का कोर्स कर रहा था, गया हुआ था, तो वो आया हुआ था और उसको जाना था, तो बहुत कठिन टेस्ट होता था एयरपोर्ट पे तब जाता था, और हमें मालूम है चूहे से ये प्लेग फैला था, और कहाँ फैला था चूहे से ये प्लेग, सूरत शहर में, सूरत शहर की सूरत बिगाड़ दिया था इस प्लेग ने, और बहुत सारे लोग 200-400-500 से ज़्यादा लोग मरे, और 10-15 लाख की आबादी खाली करवाई गई थी, चूहे से मरा था, चूहे मारने का अभियान चला था, और करीब ये 3-4 महीना तबाही मचा दिया था। लेकिन यही कहे कि इसे आगे नहीं बढ़ा था, और यह हवाओं के माध्यम से फैल जाता है इन्फेक्टेड डिजीज जो है, तो ये चीज़ें, तो हवा से नहीं फैलता, हवा मीडियम बन जाती है उस बैक्टीरिया वायरस के, वेक्टर के रूप में बन जाते हैं, उसको यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है, तो कैरियर का काम करती है हवा, ये मतलब है।
तो एक तो ये तो प्लेग हवा के जरिए फैलता है। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी को शहर भी छोड़ना पड़ गया था, और आज की तारीख में चंडीगढ़ जो है सबसे साफ सुथरा शहर होता है, और सूरत भी बहुत साफ सुथरा शहर होता है। तो ये बता रहा है कि सूरत शहर का पहले बुरा हाल था गंदगियों से, अब साफ सुथरा। इंदौर का बहुत बुरा हाल था, अब साफ सुथरा। बैंगलोर तो हमेशा चमचम, चंडीगढ़ चमचम करता था। रिमेंबर, इसी बहाने बताऊं, 20 तारीख को जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने 2019-20 का क्लीन गार्बेज क्लीन सिटी रैंक को डिक्लेयर किया, यानी हर शहर का जो गार्बेज उठाने का साफ सुथरा करने का रैंकिंग है वो इस रैंकिंग में 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 1 स्टार की 4 रैंकिंग बनती है, 7 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 1 स्टार। और लगभग 2500 सिटी इसमें पार्टिसिपेट किया, फाइनली जो है ऑनलाइन ही हुआ सब देखा गया, फाइनली जो है 6 सिटी को 5 स्टार का ग्रेड मिला गार्बेज क्लीनिंग सिटी के तौर पे। नंबर 1 सूरत ही है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, सूरत ही है, सूरत। और एक और शहर है, तो 2 शहर है गुजरात का, फिर आपका मैसूरू है, ठीक है, फिर आपका जो है छत्तीसगढ़ का एक शहर है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, तो ये सब शहर को मिला है, तो ध्यान में रखने की चीज़ है। अब आपका जो है नेक्स्ट, उसको देखते हैं पेज पलट के कि क्या बचा है। बेटा चैप्टर 6 हो चुका, अब हम चैप्टर 7 भी कर लिए, अब चैप्टर 8 और 9 है जो यूनिट 4 के तहत है, हम उसमें एंट्री ले लेते हैं। हम लोगों के पास 20 मिनट्स है, तो अच्छे खासे में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सवाल कैसे आता है, तो वही चीज़ें हैं ना, सवाल तो सिंपली आएगा, जो अब तक आपने पढ़ा तो सवाल तो क्लियर समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया है, तो याद रखने की चीज है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल को हम बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे देखिए, हमने वही चीजें, गांव का प्रशासन उठाया और हमने क्या कहा, गांव के जमीन के कागजात कौन रखता है, आपका जवाब पटवारी। पटवारी को अन्य कितने नामों से पुकारा जा सकता है, याद आया, ग्रामीण अधिकारी, कर्मचारी, लेखपाल, नहीं कानून गो। पटवारी के नीचे वह कौन अधिकारी है जो जमीन की पैमाइश करता है, अमीन। अगला क्वेश्चन, जमीन की पैमाइश के लिए जो यंत्र होता है, रस्सी, जो लोहे की चेन होती है, उसे क्या कहते हैं, जरीब। पटवारी के सारे कामों का इंस्पेक्शन, निरीक्षण, सुपरविजन कौन करता है, तहसीलदार। क्लियर हुआ ना, समझ आ रही बात, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक जो है कम से कम कितने दिनों में एक बार बुलानी चाहिए, 180 दिन में एक बार बुलाना ही चाहिए। ग्राम पंचायत के विकास योजनाओं का निरीक्षण कौन करता है, ग्राम सभा। सोशल ऑडिटिंग कौन करती है, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, ग्राम सभा से कोई व्यक्ति जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो और 21 साल पूरे कर चुके हो। अगला, ग्राम सभा किससे बनती है, उस ग्राम पंचायत के सीमा के भीतर रहने वाले स्थानीय आवासीय वो लोग जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं और मतदाता सूची में नाम है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे ही होता है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना है, उसी से क्वेश्चन आएगा आपके केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, अदर टीचर्स एग्जाम्स में, स्टेट के एग्जाम्स में, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखना है। और इन सब से क्वेश्चन हम आपको टेस्ट में देंगे। हाँ, एक गुजारिश है आपसे, आप जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो जो एनसीईआरटी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, जो जो जीएस फाउंडेशन में लिए हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप लोग, जो लोग
टेस्ट सीरीज में अब तक एडमिशन नहीं लिए हैं, जो 149 रुपीज का है। 6 मंथ में 12 टेस्ट है, हर 15 दिन पर 100 क्वेश्चन का। इस 100 में से 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होंगे, डिफरेंट क्लासेस से होंगे, एनसीईआरटी से होंगे। सो प्लीज, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो अब तक टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं लिए हैं, प्लीज फिर से पोर्टल पे जाइए, उस पेज पे जाइए और जनरल स्टडीज प्रीमियम टेस्ट सीरीज पे 149 में एडमिशन लीजिए और आप 1 से 2 दिन में एडमिशन ले लीजिए। इंतजार मत करिए, क्योंकि 6 तारीख से जो है टेस्ट शुरू होना है, ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज जाइए और इस बात को आप भी अपने स्तर पर अपने कुलीग्स के साथ, कंपेनियन के साथ बात को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, थोड़ा हमारी तरफ से हमारे लिए फेवर करिए कि हाँ ये टेस्ट है, इसको देना चाहिए। और हम जानते हैं आप कर रहे होंगे अपने बल पर मेरा एक फर्ज है कि रिक्वेस्ट करना कि थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए अब जो है हम आ जाते हैं चैप्टर 8 पे। तो ये भी चैप्टर आपका हो गया। अब है चैप्टर 8। यूनिट 4। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 यूनिट 4 का 2 चैप्टर है, उसके साथ ये बुक लास्ट कर जाएगा। सो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट। जरा गौर से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, लाइवलीहुड, ठीक है, इन विलेज एरिया, इन रूरल एरिया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये आपका चैप्टर है बेटा, ठीक है। अब इस चैप्टर को कैसे समझेंगे ये जानना है ना, तो मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर में आपको समझाने के लिए एक स्टेट ले गया है जो आपसे डायरेक्ट साउथ में है, साउथ ईस्ट पड़ेगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको लेके गया है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो गांव होते हैं, रूरल एरिया होता है, वहां पर व्यक्ति को किस प्रकार के कार्य करने होते हैं, किस तरह का उसे नौकरी पेशा मिल सकता है, किस तरह से अपने जीवन के लिए धन उपार्जन कर सकता है, किस तरह के व्यवसाय से वो जुड़ा रहता है। तो जब गांव है तो आप समझ ही गए होंगे ये शहर जैसा तो होगा नहीं। कोई बस का कंडक्टर हो सकता है अगर उस गांव से बस जाती वाती है तो, लेकिन गांव के भीतर, यहां पे एरिया, विद इन द एरिया की बात है, गांव के लोग दुनिया में क्या क्या काम करते हैं नहीं, विद इन द एरिया ऑफ रूरल एरिया व्हाट टाइप ऑफ द जॉब वी कैन ऑक्यूपाइड, सवाल ये है। तो देखिए बेटा, गांव में क्या होता है, कृषि, और क्या होता है, पशुपालन, यही ना। या गांव के आसपास कहीं माइनिंग है तो उस माइंस में वर्क मिल जाता है, गांव के आसपास फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं कोई काम वाम मिल जाता है या अपना काम करता है, खेती अपनी जमीन है तो करता है, नहीं है अपनी जमीन, भूमिहीन है, लैंडलेस, तो किसी जमींदार के यहां खेती करता है, किसी के यहां पशु पालेगा, चरवाहे का काम करेगा, उसके पशुओं की सेवा करेगा, किसी जमींदार के यहां घरेलू काम कर सकता है, किसी का अनाज साफ कर सकता है, यही ना। तो पशुओं का देखना, खेती बारी करना, धान रोपना, फसल काटना, धान तैयार करना, स्टोर कीपर का काम करना, यही ना। और अगर मान ले गांव में छोटे मोटे लोग हैं तो थोड़ा दुकान तो होगा,
चाय का, गोलगप्पे का, मसाल डोसा का, पानी का, जो लंच टिफिन करते हैं, जो छोटा मोटा थोड़ा सा जो भोजन लेते हैं दोपहर में, उसको क्या कहते हैं? टिफिन। टिफिन मतलब हल्का फुल्का नाश्ता, टिफिन का ये अर्थ है। अब हम उसी को कहते हैं टिफिन बॉक्स। कहते हैं मम्मी टिफिन दे दो, टिफिन दे दो मतलब हल्का फुल्का नाश्ता दे दो, स्कूल में करेंगे। और टिफिन किस में देते हैं? एक बॉक्स में। तो उस बॉक्स का क्या नाम हो गया? टिफिन बॉक्स। तो टिफिन मतलब होता है हल्का फुल्का नाश्ता, ये ध्यान में रखना। तो बेटा यहां पर यही सब बताया गया है। और उन लोगों की अपनी समस्या होती है, आय छोटी होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, कोई पशु देखता है, कोई कुछ करता है, और थोड़ा बहुत अतिरिक्त पैसा के लिए क्या होता है, जो आसपास जो माइनिंग चल रही होती है वहां पत्थर तोड़ने का काम, पत्थर उठाने का काम, घिसने का काम कर लेते हैं, तो इसी से आय चलती है। अब उन लोगों में बीमार पड़ जाते हैं तो कोई पैसा नहीं देता भूमिहीन को, तो कहीं ना कहीं कर्ज लेते हैं, कभी गाय बेचनी पड़ जाती है। तो मतलब जो गाँव का जीवन है, 80% लोगों का थोड़ा ट्रबल है लाइफ में, कष्ट का जीवन है, संसाधन उतने नहीं होते हमारे। आप जैसे एक फोन पे हर चीजें आ जाती, एक कॉल पे सब कुछ आ जाती है, वहां नहीं आती। कभी बिजली का भी दिक्कत होता है, जल का भी दिक्कत होता है, लेकिन इंडिपेंडेंसी बहुत होती है। ठीक है, तो इंटर इंडिपेंडेंसी बहुत होती है। गांव में एक मजदूर दूसरे मजदूर की सेवा कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक छोटा किसान हूं और आज मुझे 1 एकड़ में धान रोपना है, प्लांट करना है, और हम दो ही लोग हैं, हम हैं, वाइफ है, एक बड़ा बेटा है जो 10 साल का है, चल सकता है, लेकिन छोटा बेटा नहीं है और छोटे बच्चों को संभालने के लिए कोई हो, तो हम मियाँ बीवी जाएंगे, बेटा मेरा छोटे बेटे को संभालेगा, दो आदमी से तो काम होगा नहीं, तब तक खेत खराब हो जाएगा, पानी सूख जाएगा। तो हम पड़ोसियों से कहते थे आज मेरे खेत में चलो सब लोग काम करने, तो सबको लेके चलेगा अपने खेत में, और आज का बोलेगा खाना मेरे तरफ से। ऐसे ही कल रघु बोलेगा, रघु के खेत में जाएंगे, पवन बोलेगा, पवन के खेत में जाएंगे। ऐसे ही होता है गाँव का काम। तो गांव के काम के ऊपर पूरा का पूरा है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु का एक प्यारा सा गांव है कलपट्टू। याद रखिएगा नाम भी यहाँ ऐसे ही मिलेंगे और जो कैरेक्टर्स भी मिलेंगे उनके ऐसे ही नाम होंगे। तो लेट्स स्टार्ट कलपट्टू। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, हम लोग अब तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का प्यारा सा गाँव है कलपट्टू गाँव। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक प्यारा सा गाँव कलपट्टू। रिमेम्बर, ये समंदर के किनारे तमिलनाडु में एक गांव की बात कर रहा है। और दिमाग में नक्शा रखिए तमिलनाडु का, और तमिलनाडु कहाँ है? भारत के दक्षिण में पूर्वी तट पर, ठीक है, कलपट्टू समंदर का किनारा। यहां पर लोग जो है कई तरह के लोग रहते हैं आपस में, और टोकरी, बर्तन, घरे, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाते हैं। तो कलपट्टू गांव के लोग क्या बनाते हैं? टोकरियां, बास्केट्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन, वेजल्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? वाटर पॉट, सुराही बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? ईंट, ब्रिक, ब्रिक इंडस्ट्री होता है ना, ईंट भट्ठा, तो ब्रिक्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? तो ऐसे बैलगाड़ी भी बना लेते हैं, गांव घर में तो बैलगाड़ी बनती ही है, तो याद करिएगा। अब कलपट्टू में कुछ लोग जो हैं क्या हैं? नर्स हैं, कुछ लोग जो हैं शिक्षक हैं, कुछ लोग जो हैं धोबी हैं, बुनकर हैं, नाई हैं, साइकिल ठीक करने वाले भी हैं, लोहार हैं, जो लोहार के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं, दुकानदार भी हैं और व्यापारी भी हैं। तो गांव के तो हर तरह के काम होंगे ना, कुछ दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर वगैरह सब, कोई साइकिल का पंचर लगा रहा होगा, कोई टिफिन बेच रहा होगा, नहीं छोटे मोटे नाश्ते की चीजें, बिस्किट वगैरह, जैसे नुक्कड़ में होता है। और बेटा लोहार है जो लोहे का काम करता है, हलवल ठीक करता होगा, नहीं फिर जो है नाई है जो सबके बाल काटता होगा, हजाम, बार्बर, और उसी तरह से जो है साइकिल ठीक करने वाला भी है, बुनकर है जो चीजें बुनता है, दरी वरी वगैरह सब। और इस तरह से देखते हैं शिक्षक भी हैं जो गांव के स्कूल में टीचर होते होंगे, और धोबी है जो सारे गांव के कपड़े ले जाके धोता है फिर देता है, बदले में अनाज वगैरह कुछ पैसे लेता है। तो नर्स भी हैं जो अस्पताल में काम करती होंगे, डिस्पेंसरी में काम करती होंगी। तो ये कहने का मतलब है, तो देखा हर जाति धर्म के लोग हैं, हर पेशे वाले लोग हैं, चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज के, खाद के, चार दुकानें चाय की, और टिफिन भी मिलता है यहाँ पर। टिफिन का मतलब होता है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, सुबह इडली, डोसा, उपमा, शाम को नाश्ते में बड़ा, ठीक है, बोंडा और मैसूर पाक। ये सब मालूम है ना, ये सवाल उठा देगा। तो देखिए मैसूर पाक जो है वो बेसन की एक अच्छी सी मिठाई है, इसको मैसूर पाक कहते हैं और बहुत अच्छा बनता है, मैं खाया हुआ हूँ। मेरी सिस्टर जो है कर्नाटक के बैंगलोर में रहती है, केरल में भी हमारा ननिहाल है, तो मैसूर पाक खाने का मिला था जब हम केरल गए थे, तो मेरी बहन आई थी कर्नाटक से लेके आई थी। हाँ, सोन हलवा होता है ना, सोन हलवा, सोन पापड़ी की तरह, उस तरह से मैसूर पाक कहते हैं, सोन हलवा। चलिए तो मैसूर पाक
एक तो हो गया, दूसरा बोंडा बेटा, हरियाणा में जो वो खाते हैं ना, जो घर में बनाते हैं गुलगुले, क्या कहते हैं गुलगुले, ठीक है, तो यही गुलगुले जो है वहां पर क्या कहलाता है, बोंडा, बोंडा होता है। और बड़ा, दाल का जो बड़ा बनाते हैं, जैसे पकोड़े बनाते हैं तो दाल बड़ा, ये बहुत टेस्टी होता है ये सब चीज़। प्लस इडली डोसा तो हम और आप सब मालूम है, और बहुत चाव से नॉर्थ इंडियन इडली डोसा सांभर खाते हैं। तो ये चीज़ तो हल्की फुल्की चीज़ें शाम को खाने के भी मिलते हैं और सुबह के लिए भी है। तो देखा आपने पूरे गांव का माहौल आपके सामने में, मालगुडी डेज की तरह। ये किताब कौन से गांव का, कल्पट्टू गांव का सीन रख दिया कि किस तरह के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस तरह का कारोबार होगा, कैसी दुकानें हैं। तो चाय की चार दुकानें हैं, चाय की चार दुकानें हैं, नहीं बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि चाय तो सबको चाहिए। टिफिन की भी एक दुकानें हैं, और उसी तरह से खाद बीज के दो दुकानें, क्योंकि किसान है तो खाद बीज तो लेगा, तो दो दुकानें। अब आइए, साइकिल किराए पर भी यहां मिलता है कि अगर कोई आदमी आए तो साइकिल किराए पर ले सकता है। और सिंचित जमीन पर मुख्य रूप से यहां पर धान की खेती होती है। आई वुड लाइक टू बी से, समंदर का किनारा है, तमिलनाडु की बात हो रही है, कल्पट्टू गांव है और डेल्टा रीजन है कावेरी का डेल्टा, और यहां पर जो है धान की खेती होती है। साउथ इंडिया में गेहूं की खेती नहीं होती, धान की खेती होती है, और डेल्टा रीजन में खास करके कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो ये होगा तमिलनाडु यानी कावेरी नदी का डेल्टा तंजौर के पास। और मालूम है ना आपको कि खास करके वहां एक खास किस्म का धान होता है, सांबा, कुरवई, ये सब वहां के स्पेशल धान है। तो ये धान उपजा रहे हैं, ऐसे दिमाग में सोच को पैदा करिए। देखिए कितना अच्छा तस्वीर दिया हुआ है, बादल लगे हुए हैं, थोड़ी सी पहाड़ियां हैं, झाड़ी हैं, वन है, और लाल मिट्टी वाला खेत है, लेटेराइट सॉयल, और उसमें देखिए कितने लोग धान रोप रहे हैं। मन मचलता है कि यहाँ क्यों ना पहुंच जाए, बारिश का अंदाज ही है यहाँ तो, कॉन्क्रीट के जंगल में रह रह के। समझिए कि आप लोगों से अगर बातचीत ना होती तो लोग तो डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं तो नसीब वाला हूँ कि इतने सारे बच्चों के साथ रोज बातचीत होती है। ठीक है, अब आई क्या आ गया, तुलसी नाम की एक लेडी है। अगला जो है आपका, तुलसी नाम की एक लड़की, नाम कितना अच्छा है तुलसी, नहीं, और यही नाम तो स्मृति ईरानी का था, सास भी कभी बहू थी तुलसी, ठीक है। तो ध्यान दें, तुलसी गेवार्ड जो है हमारी सांसद हैं अमेरिका में, हवाई द्वीप की सांसद हैं, और वो एयरफोर्स में रही, पायलट रही, गल्फ वॉर में जो है लड़ी थी, और इस बार स्टैंड भी हुई थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, पर उनकी पार्टी ने कहा स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, तो बैठ गई। तो तुलसी गेवार्ड, लिशन, तुलसी रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं, ठीक है, उसके परिवार में पास में कल्पट्टू में 20 एकड़ धान का खेत है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, कल्पट्टू के गांव में 20 एकड़ जमीन का मालिक रामलिंगम है। रामलिंगम एक जमींदार है कल्पट्टू गांव का, जिसके पास 20 एकड़ जमीन है। सुबह 8:30 से शाम के 4:30 बजे तक काम करती है रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा, काम की निगरानी करती है। यानी तुलसी नाम की स्त्री जो है कल्पट्टू गांव के जमींदार रामलिंगम के यहां काम करती है, ठीक है, जिसके 20 एकड़ धान के खेत हैं। धानी होता है तो गेहूं क्यों बोलेगा। और ये 8:30 बजे जाती है तुलसी, 4:30 बजे आती है, और तुलसी के काम की निगरानी रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा करती है। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाती है तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए भी बुलाता है, क्योंकि धान लगाने के समय हो गया तो उसके बाद मजदूरों की कम जरूरत पड़ती है, तो बीच बीच में घास निकालना होता है, इसको कहते हैं निराई, और थोड़ा सा खुरपी चलाना होता है ताकि उसे ऑक्सीजन ठीक से मिले, तो उसको कहते हैं गुराई। गुराई जमीन को खोदना और घास को निकालना निराई, तो निराई गुराई के लिए बुलाता है। और फिर जब काटने का वक्त आता है तब बुलाता है, बीच में खाली हो गया ना समय, रोपने के टाइम गई तुलसी, फिर निराई गुराई और फिर कटिंग, तो बीच में जो है ये 4 महीने में धान होता है, और उसको काम मिला कितना, बहुत ज़्यादा तो 3 से 4, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का, तो 2 महीने बैठ गई ना बीच में, ये कहने का मतलब है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है, जो सामान्य मजदूरी दर से थोड़ा कम है। तो रामलिंगम तुलसी को कितना पैसा देता है, 40 रुपया एक दिन का। टाइम कितना है आपके सामने, 8:30 से 4:30, कुल मिलाकर के 8 घंटे काम की, और उसे मिला कितना, 40 रुपया, जो सामान्य मजदूरी से थोड़ा कम है। अब आइए, मेरा पति रमन भी एक मजदूर है और हमारे पास कोई जमीन नहीं है,
तुलसी कह रही है कि मेरा पति रमन जो है वो भी एक मजदूर है और हम लोग के पास कोई जमीन नहीं है, वी आर लैंडलेस फार्मर। फिर कहते हैं पास की खान में पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम उसको कभी कभी मिल जाता है। खेत मजदूरी के बाद अगर कोई काम मिल गया बालू ढोने का, ट्रक पे नाव पे रेत डालने का, जिससे हम लोग मकान जोड़ते हैं रेत से सैंड से, उसका काम मिल जाता है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से हम पानी लेकर आते हैं। तुलसी कह रही है कि हम लोग अपना पीने के पानी के लिए गांव से 1 किलोमीटर दूर जाकर के माथे पर पानी लाते हैं, वहां पर एक बोरवेल है यानी ट्यूबवेल है जिससे पानी मिलता है, तो उसको लेके आते हैं 1 किलोमीटर। पेज को पलटते हैं, देखते हैं क्या बात है अगले। अब आइए, अब तुलसी जो है वो कह रही है कि उसकी बेटी बीमार पड़ गई है, अस्पताल ले जाना पड़ा उसे, पैसे उसके पास नहीं थे, रामलिंगम से उधार लिए और उधार को चुकाने के लिए बाद में उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी जो उसके जीवन का लाइवलीहुड का साधन था। समझ रहे हैं, पूरा पूरा वो फिजिकल डेफिसिट में जाएगी, राजकोषीय घाटे में। गाय होती तो उसके दूध से कुछ पैसे अतिरिक्त आते, इसी बेटी को वो दूध पिला के बड़ी करती। अब वो गाय ही चली गई तो गाय से जुड़े इनकम चला गया, तो ये फिजिकल डेफिसिट में काउंट होता है, राजकोषीय घाटे में जब संपत्ति का नुकसान होता है। तो देखा, गांव में छोटे मोटे कर्ज लेने पड़ते हैं और कर्ज ना चुकाने की वजह से इतने इंटरेस्ट जोड़ दिए जाते हैं कि उसकी पूरी गाय बिक गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोदान में होरी का हाल है। ध्यान दे, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन लकड़ी लाने इकट्ठा करने में बीत जाता है। सही बात है, गांव में लकड़ियां ला रहे हैं फ्यूल्स के लिए, चूल्हे में जलाएंगे, पानी ढोके 1 किलोमीटर से ला रहे हैं तो 2 घंटा तो चला जाएगा, 1 किलोमीटर जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा, पानी लाना, लाइन में लगना, तो देखिए। तो गरीब लोग हैं, पानी में, जलावन की लकड़ी लाने में और जानवरों को चराने में समय बीतता है। बात सही है, गांव में जाइए तो अब जानवर चर रहे हैं, आप उसको 2 घंटा चरा के लाए, बांधे बांधे, तब तक जलावन इकट्ठा किया, अरे पानी ले आते हैं, चलो अब खाना बनाते हैं, समय गया। यहाँ तो प्रेशर कुकर है, ओवन है, गैस चूल्हा है, वॉशिंग मशीन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यहाँ की तो लेडीज माँ दुर्गा है, एक ही समय में समझिए 10 हाथ हैं और 10 तरह के काम निपटा देती है विद इन द टाइम मैनेजमेंट। सो ये है हमारी शहर की दुर्गा। दुर्गा वो भी है पर उसको क्या होता है, समय ज्यादा लेती है पर काम उतना ही करती है। ये चीज है, तो ग्रामीण इलाके की ये बात है। गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, डेफिनेटली। जलावन जुटाना, जानवरों को पालना, पानी का इंतजाम करना, खाना बना के सबको खिलाना, ये 4 प्रमुख काम है गांव में। ग्रामीण परिवारों में, ठीक है, में से करीब 40% लोग खेतिहर मजदूर हैं। इन विलेज एरिया The total families, 40% families, landless labor, landless farmer हैं, जो किसी और के खेतों में काम करते हैं। तो यहां तक हमने बात की, अब बात शुरू होगा शेखर की। तुलसी, तुलसी का पति रमन, तुलसी की बेटी बीमार, कर्ज ली रामलिंगम जमींदार से और बेची उसको चुकाने के लिए अपनी गाय। समझ गई उसकी स्थिति। अब रमन भी मजदूरी करता है और साथ साथ बालू और ईंट पत्थर भी ढोता है। रामलिंगम कलपट्टू गांव का जमींदार है, उसके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं, उसकी पत्नी करुथम्मा है और तुलसी वहां काम करने सुबह 8:30 में जाती है और 4:30 में लौटती है और 40 रुपए की मजदूरी पाती है। समझ में आई हमारी बात, याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे लेकिन आज नहीं। अगर आप इजाजत दें तो कल इसको निपटा के खत्म करें, तो मैं वही चाहूंगा कि आपके जहन से एक किताब फिनिश्ड हो जाए। तो कल मैं फिर आऊंगा आपके पास और ये किताब कल फिनिश्ड करेंगे और थोड़ा सा जो आधा घंटा बचेगा या 45 मिनट्स, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज अराइज करेंगे। तो प्लीज आप सारे चैप्टर को समअप कर दीजिएगा, आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अराइज करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।